हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कॉमेडी के बादशाह बॉलीवुड के सुपरस्टार राजपाल यादव की। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे बेसिक से बेसिक चीज़ बताते हैं कि ड्राइंग बनाने से पहले आउटलाइन कैसे बनाते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर सर्च करिए ड्राइंग रीड मेकर। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो देखिए आपको सिर्फ ओपन करना होगा। ठीक है, और ओपन करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएंगे आपके पास। ऑप्शन में पहले वाले पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से फ़ोटो को चूज करिए। चूज करने के बाद आप, जैसे ये मैंने राजपाल यादव की फ़ोटो ली, ठीक है, ये फ़ोटो मुझे क्या करना है, इस पर ग्रेडिंग करनी है। तो यहाँ से चौथे नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा 20, ठीक है, 20 ब्लॉक बन गया। अब इसको हमें बराबर करना होगा। यहाँ से सेकेंड और फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट और स्क्वायर में एकदम बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप लाइन को रंगीन कर सकते हो। तीन कलर हैं इसमें, जो भी आपको सही लगे आप ले लीजिए। जैसे लाइन मोटी है तो यहाँ से आप पतली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लाइन पतली हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके बगल दो ऑप्शन और, इसमें अगर आप क्लिक करते हो तो ब्लॉक इस तरह से हो जाएंगे। अगर और करना चाहोगे तो ब्लॉक पर नंबर भी लिख जाएंगे। आपको जो सही लगे आप कर लीजिए और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक, ये फ़ोटो सेव हो गई। अब इसको हम बैक करके जाते हैं जहाँ पे ये सेव हुई, खोजते हैं। ये देखिए एक अलग फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ड्राइंग ग्रिड मेकर के नाम से एक फोल्डर बन जाता है। तो यहाँ फोटो को हम देखिए, इस पर ग्रिड बन गया ऑलरेडी। और ठीक है, बन गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये देखिए पेपर है, इस पेपर पे हमें ग्रिड बनाना होगा। तो हमने पहले से ग्रिड बना रखा है, तो इसकी जो साइज़ होगी 2-2 सेंटीमीटर की होगी लंबाई चौड़ाई। ठीक है, फ़ोटो क्या करेंगे, जो फ़ोटो पे सबसे ऊपर है, ऊपर से लेके फेस के नीचे तक काउंट कर लेंगे। ठीक, काउंट करने के बाद जहाँ पे फेस ख़त्म होगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आराम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम आराम आराम से बनाएंगे जिस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि आउटलाइन बनाने में टाइम लगता है। मुझे इस ड्राइंग को बनाने में मुझे लगा लगभग 25 मिनट। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट करके आपको 9 मिनट के अंदर बना रहा हूँ। 9 से 10 मिनट के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे कहीं कहीं पे मैंने इसको फास्ट कर दिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी सब चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा फास्ट रखें तो आप जल्दी समझ जाओगे और जो चीज़ आपको समझना होगा आप समझ जाओगे और आप बोर भी नहीं होगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक समझ गया होगा कैसे बनानी है। तो आपको हर ब्लॉक को देखना है एकदम आराम से, एक एक चीज़ें। ठीक है, हेयर जो है, हेयर को आप उसी डायरेक्शन में बनाना होगा, बहुत आराम से हल्के हाथों से। ठीक है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ थोड़ा सा फास्ट कर दिया, उसी स्पीड से आपको बनानी थी। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए, ये बहुत आराम से, ये इसी स्पीड से बना, जैसे ये वाली है। ठीक है, ये रियल स्पीड है। फ्रेंड्स, आप जब भी आउटलाइन बनाएं सबसे पहले आप बाहर के पार्ट जो है उसको अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, बाहर के पार्ट अगर आपके अच्छे बन गए तो उसके बाद अंदर के पार्ट जो बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमारा हेयर है, तो हेयर को आपको अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि हेयर जिस डायरेक्शन में है, हेयर गया है, उस हेयर में हम उसको बना लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आपको हर एक पार्ट को अच्छे से देखना होगा। ब्लॉक, सारे ब्लॉक देखने हैं, किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी है। ठीक है, ये सब अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आप आउटलाइन अच्छे से बना पाओगे। तो देखिए हमारा फ्रेंड्स, जो आउटलाइन है, जो फेस का है और हेयर है, ये दोनों कम्प्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है कि हमें जो कॉस्ट्यूम है, जो कपड़े हैं, उसको अच्छे से देखना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये चीज़ें बहुत आराम से आपको देखना है और बनाना है। ठीक, तो ये देखिए, ये हमारा, ये यहाँ से एक लाइन खींचनी है और ये। ठीक, ये पहले हम गले का जो ये पार्ट है, जो टी शर्ट है, उसको अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, जहाँ पे गलत हो तुरंत उसको इरेज कर लीजिए आप। उसके बाद हम ये चैन बनाएंगे। ठीक है, चैन को बनाने के बाद, जो गले में चैन पहने सर, उसको बनाना अच्छे से। ठीक है, तो चैन को, चैन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से बना लेंगे तो अच्छा दिखेगा। देखिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से बन गया। ठीक है, आपको भी टाइम देना, अगर आप बनाना चाहो तो अच्छे से बना सकते हो। ठीक, तो और खूबसूरत ड्राइंग दिखेगी। तो ये हमारा सब कुछ बन गया। अब हम फेस के अंदर वाले पार्ट को बनाएंगे, बहुत ही आराम से बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड करूँगा ताकि आप समझ जाओ चीज़ें, क्योंकि बहुत डॉट करने होते हैं उसमें, किस डॉट पर हमें लाइन खींचनी है, ये सब चीज़ें ध्यान से देखनी होंगी। ठीक है, कहीं कहीं मैं थोड़ा स्पीड कर दूंगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा, देखना होगा। तो यहाँ हम आईब्रो से स्टार्ट किया, आईब्रो बन गई। अब इसके बाद हम आई को बनाएंगे। आई को भी ध्यान से देखना है, किसने कितने ब्लॉक में, मेरे ख्याल से 2 ब्लॉक में है, तो 2 ब्लॉक के अंदर हम आई को बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 ब्लॉक के अंदर हमारी आई जो है अच्छे से बन गई है। अंदर के पार्ट जो उसका लेंस है, उसको हम
डार्क कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करना, ठीक है। तो आई बहुत आराम से बनाना है आपको, अच्छे से देखना है सब चीज़ों को। शेडिंग जो है, जहाँ पे शेड बना है उसको भी अच्छे से कर लेना होगा, क्योंकि शेडिंग करते समय अगर ये चीज़ आप क्लियर होगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो आई है वो अच्छे से बन गया है, तो अब हम सेकंड आई बनाएंगे, ठीक है। सेकंड आई में भी आपको इसी तरह से बनाना जैसे पहले आई में बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पहले हम आई को बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, आई को आराम से आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। दोनों डॉट को हम मिला देंगे, चीज़ें हमारी अच्छे से बन जाएंगी, ठीक है। ये देखिए हमारी जो आई है, आई के अंदर का जो लेंस है उसको हम डार्क कर लेते हैं, हल्के हाथों से डार्क कर लेते हैं। हमारा जो आई बन गया, अब इसके बाद हम बनाएंगे आईब्रो को, ठीक है। आईब्रो बनाने में क्या होता है कि आप उसको शेड कर सकते हो, नहीं शेड कर सकते हो, लेकिन इसमें आउटलाइन बनाने में कोई ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि या तो फिर आपको बीच के पार्ट को छोड़ना होगा, चारों साइड का आपको आउटलाइन कर लेना होगा। लेकिन इससे ठीक है, आप शेड कर सकते हो, हल्के हाथों शेड कर लोगे, उसके बाद आप इरेज कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। तो देखिए हमारा थोड़ा सा गलत हुआ था, उसको हमने इरेज कर लिया अच्छे से। तो दोनों आई लगभग लगभग बन गई दोस्तों। अब हमें इसके बाद नोज बनाना है, तो नोज को भी आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो ये नोज देखिए, यहाँ से हर एक चीज़ का अलग अपना वो है, ठीक है। तो उसको हमको कहाँ से कहाँ तक लाइन खींचनी है, कहाँ पे डॉट करना है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए हमने ये नोज़ को अच्छे से बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो नोज के बगल से जो शेड गया है, ठीक है, जो स्माइल करने के बाद जो शेड हल्का सा गया है, ठीक है, इसको भी हमें अच्छे से देखना है कितनी दूर पर है, ठीक। तो ये दोनों हमने दोनों साइड का बना लिया है। अब इसके बाद हमें लिप बनानी है, तो लिप में आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर अच्छे से देखना है, उसको सेंटर से स्टार्ट करना है, इस सेंटर का ये पार्ट, इस सेंटर में देखिए यहाँ सेंटर में इस कॉर्नर मिला देंगे, दूसरा वाला जो है सेंटर से कॉर्नर मिला देंगे, ठीक। तो ये हमारा ऊपर वाला जो है लिप का पार्ट हो गया। अब ये बीच का, अब इसके बाद जो हम बनाएंगे जो दूसरा लिप, ठीक है। तो ये बीच वाली लाइन खींचने के बाद हम जो है नीचे की लाइन खींच देंगे, तो हमारा जो है पूरा लिप अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। इसको भी बहुत आराम से करना है, ठीक है, क्योंकि सेंटर अगर इसका मैच नहीं करेगा तो फिर लिप छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा लिप अच्छे से बन गया है। अब नोज और लिप के बीच थोड़ा सा ये जो है यहाँ शेड रहेगा, इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो है सारी चीज़ें बन गई हैं। अब जो चीज़ें छोटी हैं उसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ये माथे पर जो लकीरें हैं इसको भी बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत पास पास नहीं करना है, जितने दूरी पर हैं उसको डिस्टेंस हर चीज़ को देख के अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से बन गई फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें छोटी, जैसे हेयर में जो चीज़ें छोटी हैं हेयर को बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हेयर भी इस तरह से अच्छे सारी चीज़ें बन गई। अब इसके बाद हमें करना क्या कि जो अंदर के ब्लॉक हैं उसको इरेजर के जरिए हम उसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अच्छे से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, और आई होप कि आपको ये आउटलाइन अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको ये आउटलाइन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा बना है। और हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, ठीक है, बाय।